So hello everyone, how are you all? Now once again we are here to study alternating current and today's topic is resonance in LCR circuit and graphs. हमने कल बताया रेजोनेंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, हमने LCR सर्किट पढ़ा था जिसमें एक इंडक्टर था, एक कैपेसिटर था और एक रजिस्टर था और हमने उसमें देखे थे तीन केसेस. तीसरा केस हमारा क्या था? रेजोनेंस था. आज हम फिर रेजोनेंस वाले केस को समझते हैं. तो देखिए ये हमारा कोई एक एल सी और ये क्या है एक आर. तो LCR सर्किट है बेटा जिसमें कोई एक सोर्स वोल्टेज है, ठीक है. दिस इज इंडक्टर कैपेसिटर रजिस्टर. मैंने बताया था अगर कोई करंट जा रहा है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी तो ऑल द थ्री आर इन सीरीज. तो जितना करंट इसमें जाएगा उतना ही इसमें जाएगा और उतना ही इसमें जाएगा. मतलब वैल्यू ऑफ करंट इन L सर्किट, C सर्किट एंड R सर्किट विल रिमेन्स व्हाट सेम. ये हम कल पढ़ चुके हैं. क्या वेरी करेगा? वोल्टेज वेरी करेगा. तो उसके लिए आपने एक्सप्रेशन देखा था कि इसमें वोल्टेज लीड करता है, इसमें लैग करता है और इसमें वोल्टेज कैसा रहता है? सेम फेज में रहता है. ये हम सब देख चुके हैं. रेजोनेंस की कंडीशन देखें तो एट रेजोनेंस क्या होता है, क्या कंडीशन होती है वो देखिए. जब इस सर्किट में रेजोनेंस होगा उस समय वी नॉट ऑफ एल इज इक्वल टू वी नॉट ऑफ सी हो जाएगा. मतलब पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज इन इंडक्टर इज इक्वल टू पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज इन कैपेसिटर. ये वैल्यू हो जाएगी. अच्छा अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो ये क्या हो जाएगा? आई नॉट ऑफ वॉट एक्सएल और ये क्या हो जाएगा? आई नॉट ऑफ वॉट एक्ससी. आई नॉट से आई नॉट कैंसिल. मतलब आपके पास एक कंडीशन आ गई दैट इज एक्सएल इज इक्वल टू वॉट एक्ससी. तो अगर मैं इसका फेजर बनाऊं तो फेजर देखिए आप कैसा बनेगा. इसका फेजर कुछ इस तरीके से बनेगा. यहां पर क्या था? यहां पर वी नॉट ऑफ वॉट आर था और इसी डायरेक्शन में क्या था अपने पास में? आई नॉट था. इधर क्या हो जाएगा? इधर वी नॉट ऑफ अगर एल है तो नीचे क्या हो जाएगा? वी नॉट ऑफ वॉट सी हो जाएगा और दोनों की वैल्यू कैसी रहेगी? सेम. लेकिन दोनों के बीच में फेस कितना है? 180 डिग्री. मतलब डायरेक्शंस कैसे हैं? अपोजिट हैं. और अगर आप आई नॉट एक्सएल लिखेंगे, आई नॉट एक्ससी लिखेंगे, इसको आई नॉट आर लिखेंगे तो आपका फेजर क्या कन्वर्ट हो जाएगा? और मैं दूसरा इसका बना रहा हूँ एक्सप्रेशन. तो अगर आप इसको इस तरीके से लिखते हैं तो देखिए क्या हो गया. यहाँ पर आ जाएगा एक्सएल, यहाँ पर आ जाएगा एक्ससी और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास में? यहाँ पर आ जाएगा आर और यही डायरेक्शन किसकी है? आई नॉट की है. तो देखिए तो ये ऐसे बन सकता है. मैंने हर जगह पर आई नॉट इंटू क्या लिख दिया? एक्सएल. आई नॉट इंटू एक्ससी क्योंकि वी इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है और यहाँ पर आई नॉट इंटू वॉट आर और आई नॉट हटा दिया तो एक्सप्रेशन मेरे पास में बन के आ गया. तो देखिए दोनों चीज़ें बराबर हैं और ये कंडीशन हो गई हमारी रेजोनेंस की. अच्छा थोड़ा सा ध्यान रखिए, याद करिए कि एक्सएल कितना हुआ करता था? एक्सएल हुआ करता था ओमेगा एल और एक्सएल को हम क्या लिखते थे? 2πf(L). याद आया? पहले के लेक्चर से पढ़ चुके हैं हम लोग. इन द सेम वे एक्सी को क्या लिखते थे हम लोग? 1/ωc और क्या लिख सकते थे एक्सी को? 1/2πf(C). क्या मैं इन वैल्यूज को यहां रख सकता हूं? बिल्कुल. तो जब मैं यहां रखूंगा तो क्या हो जाएगा? एक्सएल 2π या फिर पहले लिख लीजिए ओमेगा एल और यहां पर 1/ωc. अच्छा रेजोनेंस है इसलिए मैं इसको यहां पर WR और WR मतलब इसके टर्म्स में लिख रहा हूं तो इसको इधर भेज दीजिए. तो ओमेगा आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/√LC. तो यहां से ओमेगा आर कितना आ गया? √LC. ये एक्सप्रेशन आ गया. अच्छा ओमेगा क्या होता है? 2πfr. तो ये क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू √this. यहाँ से एफ आर कितना निकल के आ गया? 1/2π√LC. सो दिस इज नोन एज वॉट? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी. इसको हम कौन सी फ्रीक्वेंसी कहते हैं? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं. तो ये समझ में आया. अब जरा ध्यान से देखिए एक चीज़ और आपने निकाली थी कल 10φ. क्या निकाला था रेजोनेंस सर्किट का? क्या निकाला था? 10φ. तो अगर मैं 10φ की बात करूँ तो केस नंबर 1 में आया था XL-XC (XL-XC)/R और यहाँ पर XL बराबर क्या है? XC है. तो वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर रखेंगे आप? तो 10φ कितना निकल के आ जाएगा आपके पास में? 0 निकल के आ जाएगा. इसका मतलब देयर इज नो फेज डिफरेंस. फाइव इज इक्वल टू व्हाट? 0.
10 जीरो की वैल्यू आप निकालिए, इसके हिसाब से निकल के आ गया आपके पास में, तो एक्सप्रेशन आ गया। एक चीज़ और देख सकते हैं आप, एक चीज़ जो निकल के आई वो क्या निकल के आई, कॉस फाई। क्या निकल के आया यहाँ पर बेटा, कॉस फाई। मैं यहाँ थोड़ा सा लिख रहा हूँ, तो अगर हम बताएं पावर फैक्टर के बारे में बात करें, किसके बारे में बात कर रहे हैं, रेजोनेंट सर्किट के पावर फैक्टर। तो कल आपने पढ़ा कॉस फाई क्या होता है, आर अपॉन जेड, और जेड कितना हुआ करता था, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। मैं केस नंबर वन की बात कर रहा हूँ। तो देखिए ये दोनों बराबर हैं, एक्सएल बराबर क्या है एक्सी, तो यहाँ से जेड बराबर कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस जीरो, यानी जेड बराबर कितना हो गया आर। यहाँ पर रख दीजिए इसको, जैसे ही आप यहाँ पर रखेंगे तो कॉस फाई कितना आ गया, आर अपॉन आर, ये कल बताया था मैंने। तो यहाँ से कॉस फाई कितना निकल के आ जाएगा, वन, यानी पावर फैक्टर कितना होगा रेजोनेंस में, यूनिटी हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, यूनिटी। तो ये तो कुछ चीजें थी किसके बारे में, रेजोनेंस के बारे में, दैट फाई इज इक्वल टू जीरो, कॉस फाई, अब जीरो रख के भी आप निकाल सकते हो, वन निकल के आएगा, यूनिटी निकल के आ जाएगा, और एक्सएल बराबर क्या निकल के आता है, एक्सी, और ये इसके फेजर थे, ये दोनों बिल्कुल सेम बराबर है, इसलिए कितने हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शंस, ठीक है, वेक्टर एडिशन के हिसाब से। तो ये तो हमने पढ़ा रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट। अब हम जो चीज पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम क्या है, ग्राफ। देखते हैं कैसे ग्राफ्स आते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो देखिए हमने क्या क्या कंक्लूजन निकाला। अभी हमने फर्स्ट थिंग जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमें मिले, क्या मिले, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मिले हमको, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। पहला क्या मिला हमको, पहला पॉइंट मिला कि एक्सएल बराबर क्या होता है, एक्सी होता है, ठीक है, किसके लिए, रेजोनेंस के लिए, फॉर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर रेजोनेंस। कंडीशन ठीक है भाई, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आए, पहला है बेटा एक्सएल बराबर क्या होता है, एक्सी। दूसरा पॉइंट क्या निकल के आया अपने पास में, दूसरा पॉइंट हमारे पास ये निकल के आया कि रेजोनेंस में कॉस फाई कितना होता है, वन होता है, मतलब पावर फैक्टर कितनी होती है इसमें, यूनिटी होती है, पावर फैक्टर इज इक्वल टू हाउ मच, यूनिटी। अच्छा तीसरा क्या निकल के आया, टेन फाई इज इक्वल टू हाउ मच, जीरो। अच्छा इन तीनों से क्या कोई नया एक्सप्रेशन आप निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। जब इस सर्किट में ये पता चला कि पावर फैक्टर कितना निकल के आ गया, वन निकल के आया, या फेस कितना निकल के आ गया, जीरो, तो इसका मतलब आप वी की वैल्यू कितनी निकाल सकते हो, वी इज इक्वल टू वी नॉट ऑफ साइन ओमेगा टी, देर इज नो फेस डिफरेंस। तो इन रेजोनेंस सर्किट, इन रेजोनेंस सर्किट, रेजोनेंस सर्किट क्या इंपॉर्टेंट पता चला, V इज इक्वल टू हाउ मच, V नॉट साइन ओमेगा टी। किसके लिए बात कर रहा हूँ मैं, फॉर LCR सर्किट, किसके लिए बात कर रहा हूँ, LCR, कोई फेज नहीं रहेगा, ठीक है। और एक चीज़ और आपने पाली, क्या पाया था आपने, कि Z बराबर क्या निकल के आया था बेटा, R निकल के आया था, ये रेजोनेंस की कंडीशंस हमने पढ़ी। अब हम ग्राफ देखते हैं, देखिए अब ग्राफ में अगर देखूं तो मैं पहला ग्राफ जो बना रहा हूं वो बना रहा हूं जेड वर्सेस व्हाट, तो मैं जेड का ग्राफ बनाऊं वर्सेस व्हाट, फ्रीक्वेंसी। चलिए अच्छा मैं तीनों को एक साथ बना रहा हूं, इसमें जो जेड है एक्सएल एक्सी और आर तीनों का बना रहा हूं, या फिर आप एक ही सिंगल ग्राफ में एक्सएल भी है एक्सी भी है एंड आर भी है, तो एक्सएल एक्सी एंड आर वर्सेस एफ, ये एक सिंगल सा ग्राफ बना रहे हैं। देखिए एक साइड में ले लिया मैंने, ये बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पर मेरे पास फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर एक्सएल भी हो सकता है कॉमा एक्सी भी हो सकता है एंड आर भी हो सकता है, तीनों हैं। देखिए आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा एक्सएल कितना होता है, 2πf इंटू हाउ मच, इंटू बताइए एक्सएल कितना होता है, ओमेगा इंटू वॉट एल, तो ये तो ओमेगा हो गया इंटू वॉट एल, तो यहाँ से देखिए दोनों कैसे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ से पाया गया कि एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉट एफ, सो दिस विल बी द ग्राफ फॉर वॉट, फॉर एक्सएल, ठीक है। अच्छा इन द सेम वे
इन द सेम वे। अगर मैं बात करूँ, ये तो फर्स्ट हो गया, अगर मैं इसमें सेकंड की बात करूँ मैं एक्स सी, तो एक्स सी कितना होता है 1/2πf इन टू वॉट सी, तो यहाँ से एक्स सी कितना पाया गया भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल पाया गया। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से हो गया। तो ये किसको डिनोट कर रहे हैं, एक्स सी को कर रहे हैं। अच्छा, तीसरा देखिए, थर्ड पॉइंट, आर में एफ होता ही नहीं है, तो आर की वैल्यू में एफ कैसा होगा, कांस्टेंट। तो वो यहाँ से भी पास कर सकता है, यहाँ से भी पास कर सकता है, यहाँ से भी, मैंने मान लिया चलिए वो यहाँ कहीं से पास कर रहा है ये, तो ये किसका हो गया, आर का। वो यहाँ से भी पास कर सकता था बेटा, कहीं से पास कर सकता था, आर वेरी करेगा ऊपर नीचे कहीं पर भी, ठीक है, क्योंकि आर की वैल्यू कैसी, कांस्टेंट, वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। लेकिन ये जो पॉइंट निकल के आया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहाँ पर एक्सएल और एक्ससी दोनों कट रहे हैं, मतलब यहाँ पर वैल्यू कैसी है, कॉमन है, कॉमन है, मतलब एक्सएल बराबर क्या है, एक्ससी। तो इस पॉइंट पर जब आप नीचे ड्रॉ करेंगे तो वो फ्रीक्वेंसी आएगी, और वो फ्रीक्वेंसी कौन सी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। वो फ्रीक्वेंसी कौन सी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, जिसकी वैल्यू आपने एफ आर निकाली थी 1/2πLC, अभी निकाली थी ना पिछले वाले लेक्चर में, मतलब पिछले टॉपिक में, तो ये निकल के आ गई। तो ये हमारे पास में पहला ग्राफ निकल के आया, किसके बीच में ग्राफ निकल के आया, एक्सएल एक्ससीआर, और जहां पर दोनों कटते हैं वहां पर क्या हो गया, एफ आर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकल के आ गई। अब अगला देखते हैं, अगला ग्राफ जो है, इसको एक बार बना लीजिए आप। देखिए, तो सेकंड जो है अपना ग्राफ वो कैसा है, सेकंड ग्राफ जो बनाना चाहता हूं मैं, वो जेड इम्पीडेंस वर्सेस किसके साथ बनाना चाहता हूँ, उसके साथ में फ्रीक्वेंसी के साथ बनाना चाहता हूँ। अच्छा, जेड होता क्या है, थोड़ा समझते हैं। जेड क्या होता है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। थोड़ा और अच्छा सा लिख लो तो जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वॉट, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल की वैल्यू करें तो एक्सएल कितना हो जाएगा 2πf इंटू एल, माइनस एक्ससी कितना हो जाएगा 1/2πf इंटू वॉट सी, और पूरे का क्या है भाई, होल स्क्वायर है। अब ध्यान से देखिए, मुझे ग्राफ बनाना है तो मैं यहाँ ग्राफ बना रहा हूँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, मैंने दो एक्सिस बना लिए बेटा। यहाँ पर ले लिया मैंने जेड और यहाँ पर मैंने ले लिया एफ। बहुत प्यार से देखिएगा, बोर्ड में खूब पूछा जाता है ग्राफ। अब बहुत सिंपल सी चीज़ है, अगर मैंने आपको पहले कहा है कि अगर आपको बेटा फिजिक्स समझ में आ रही है तो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा, यू विल लव विथ फिजिक्स, और नहीं समझ में आ रही है तो इट इज़ द डिजास्टर्स सब्जेक्ट फॉर यू। तो प्लीज़ गो थ्रू विद ऑल द टॉपिक्स, लेक्चर्स, प्रीवियस लेक्चर्स, एंड देन कम टू दिस, यू विल फील वेरी मच इंटरेस्ट इन दिस टॉपिक, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। अब देखिए, अगर मैं इफ कंडीशन फर्स्ट ए क्या कर दिया मैंने, अगर मैंने फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया, फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया, लार्ज कर दिया, इंक्रीज कर दिया, फ्रीक्वेंसी को मैंने क्या करा, इंक्रीज करा, तो देखिए ये वैल्यू तो बढ़ती जाएगी और ये वैल्यू क्या होती जाएगी, घटती जाएगी, मतलब एक्सएल बढ़ता जाएगा और एक्ससी क्या होता जाएगा, घटता जाएगा, तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाएगा। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सएल माइनस एक्ससी, ये क्या हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। अगर ये चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई तो ये आर के साथ जुड़ गया तो क्या निकल के आ गया, सो जेड भी क्या हो गया, बहुत ज़्यादा लार्ज हो गया। तो इस कंडीशन में जेड क्या हो गया, ज़्यादा निकल के आ गया। अच्छा, दूसरी कंडीशन देखिए, इफ बी में अगर मैं एफ को क्या कर दूं, डिक्रीज, अब मैंने एफ को डिक्रीज करा तो अब क्या हुआ, अब एक्स ही बढ़ना शुरू हो गया और ये क्या हो गया, घटना शुरू हो गया, लेकिन अभी भी क्या हुआ, और होल स्क्वायर है तो एक्सएल माइनस एक्ससी अभी भी क्या हो गया भाई, का होल स्क्वायर क्या हो गया, बहुत ज़्यादा लार्ज हो गया। स्क्वायर है इसलिए पॉजिटिव आएगा, चिंता मत करिए आप, ये नेगेटिव है, ये वैल्यू बढ़ रही है लेकिन नेगेटिव में बढ़ रही है, लेकिन और ये पॉजिटिव है, दोनों घटाया नेगेटिव वैल्यू निकल के, स्क्वायर करोगे तो कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से भी जेड क्या हो गया, बहुत ज़्यादा लार्ज हुआ। तो ये पता चला कि चाहे आप जेड को बढ़ा लीजिए, सॉरी एफ को बढ़ा लीजिए, चाहे आप एफ को घटा लीजिए, कंडीशन कैसी निकल के आएगी, लेकिन एक ऐसी कंडीशन होगी जहाँ पर ये वैल्यू कितनी निकल के आएगी, मिनिमम, उसको क्या कहते हैं हम लोग, रेजोनेंस। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ तो कम फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी पे भी ये बहुत ज़्यादा है जेड, और एक जगह पर आ गया मिनिमम, और ऐसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे भी क्या हो रहा है, ज़्यादा। देखिए इधर कम है फ्रीक्वेंसी, कम है तो बहुत ज़्यादा है, थोड़ी बढ़ाई और कम हुआ और कम हुआ और कम, एक वैल्यू आई किस पे कम, फिर बढ़ाते गए बढ़ता गया ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको क्या कहते हैं हम लोग, एफ आर, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। इसी का थोड़ा सा उल्टा समझ लेते हैं। अगर मैं इन प्लेस ऑफ जेड क्या लिख दूं, आई लिख दूं, आई आर एम एस लिख दूं, आई नॉट लिख दूं, तो क्या होगा? तो थर्ड ग्राफ क्या हुआ भाई अपने पास में, ग्राफ नंबर थर्ड, इसको किसके साथ में बना रहे हैं हम लोग, करंट के साथ बना रहे हैं, सारे कंसेप्ट यही यूज़ होंगे। तो आई नॉट ले लो या फिर आई आर एम एस ले लो, कुछ भी ले लो आप। तो देखिए, तो आपको एक फार्मूला पता है, इस ग्राफ को हम रब कर देते हैं यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पर क्या ले लेंगे हम लोग, आई नॉट ले लेंगे, ठीक है, पीक वैल्यू ले लेंगे। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला क्या है कि आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट, या आई आर एम एस ले लीजिए, जनरली ये आई आर एम एस मिलता है, तो आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस अपॉन वॉट, जेड। अब केस उल्टा हो जाएगा, अगर जेड ज़्यादा होगा तो आई आर एम एस क्या हो जाएगा, कम। तो यहाँ से क्या निकल के आया, यहाँ से क्या निकल के आ गया कि आई आर एम एस क्या हो गया, घट गया, और यहाँ पर भी जेड ज़्यादा है तो यहाँ पर भी आई आर एम एस क्या हो गया, घट गया। तो जो ग्राफ का शेप ऐसे था, उस ग्राफ का शेप अब कैसे हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। तो ये सिंपल सा ग्राफ बन के आपके पास में तैयार हो गया, जस्ट अपोजिट हो गया, कि जेड बढ़ा तो ये घटा, फिर दोनों केसेस में बढ़ रहा है, दोनों केसेस में घटा, तो शेप नीचे से ऊपर की तरफ बनेगा, ठीक है। तो दीज आर फ्यू ग्राफ्स बेस्ड ऑन वॉट, एल सी आर सर्किट। नाउ वी विल हैव सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस टॉपिक, विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।